जनजातीय क्षेत्र भरमौर में हो रही लगातार बारिश व भरमौर हड़सर सड़क मार्ग पर हड़सर के पास हो रहे जबरदस्त भूस्खलन के बाद भरमौर प्रशासन ने डल झील की तरफ जा रहे श्रद्धालुओं को रोकने का निर्णय लिया है। बता दें कि भरमौर प्रशासन ने बाकायदा इसके लिए एक नाका प्रंगाला में लगाया है जो लगातार यात्रियों को वापस भरमौर की तरफ भेज रहे हैं। तो आपको बता दें कि कई यात्री पर्यटन के नाम पर डल झील की तरफ जा रहे थे, लेकिन खराब मौसम के चलते कोई बड़ी दुर्घटना ना हो इसके एहतियातन भरमौर प्रशासन ने ये फैसला लिया है। थाना प्रभारी भरमौर विकास कुमार ने बताया कि इसके लिए कुछ पुलिस कर्मियों की तैनाती प्रंगाला में की गई है जो श्रद्धालुओं को डल झील की तरफ जाने से रोकेंगे। बता दें कि भरमौर हड़सर सड़क मार्ग पर हड़सर के पास जबरदस्त भूस्खलन हुआ है जिसके चलते पिछले दो दिनों से वहां लोगों का पैदल आर पार जाना भी मुश्किल है। कोई अनहोनी या कोई बड़ी दुर्घटना ना हो इसके मद्देनजर भरमौर प्रशासन ने ये फैसला किया है। तो बहरहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि अब भरमौर प्रशासन रोकेगा यात्रियों की राह और वो अब डल झील तक पर्यटकों व यात्रियों को नहीं जाने देगा, जिसके लिए बाकायदा एक नाके का प्रबंध प्रंगाला में किया है जो लगातार श्रद्धालुओं और पर्यटकों को रोक रहे हैं। ट्रैवल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। ट्रैवल टुडे टीवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें।